सारी युवा शक्ति, मेरे पास आज इस सभा को संबोधित करने के लिए कोई शब्द विशेष शेष नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मोदी मास्टर जी ने एक बात कही कि हमारा एक सपना था कि अगली पुण्यतिथि हजारों की संख्या में मनाई जाए। इस बात को लेकर 3-4 दिन पहले पहलवान जी के साथ मैंने बढ़िया में बैठ कर डिस्कस किया कि पुण्यतिथि है, क्या किया जाए। तो पहलवान जी का एक ही जवाब था कि देखो, ये शोक सभा है और शोक सभा में किसी को इनवाइट नहीं किया जाता। और ये भरत सिंह का प्यार, भरत सिंह का सम्मान और भरत सिंह की यादें आप सब के दिलों में इतनी बसी हुई हैं कि आप सब भरत सिंह के प्यार में अपने आप खींचे चले आए। तो मैं इस प्यार, ये जो आप सबका विश्वास है, आप सबका प्यार जो भरत सिंह के परिवार के प्रति, भरत सिंह के प्रति मुझ में बड़ी हिम्मत देता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैं भरत सिंह की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, क्योंकि लोगों की आंखें जब मेरी तरफ देखती हैं तो उनकी आंखों से बस एक ही बात दिलाती है, क्या कि तुम भरत सिंह के सपने पूरे कर पाओगी, भरत सिंह की जगह ले पाओगी। तो उनका प्यार मुझे हिम्मत देता है कि देखिए, भरत सिंह को तो मैं आपके बीच में नहीं ला सकती, लेकिन भरत सिंह के जैसा काम मैं जरूर आप लोगों को करके दिखाऊंगी। और जो मुजफ्फरगढ़ आज भरत सिंह के बिना अपने आप को एक अनाथ महसूस करता है, उस अनाथपने को हम विकास के कार्यों को इतनी प्रगतिशील बनाएंगे, इतना काम देंगे कि भरत सिंह का नाम ता उम्र ऐसा अमर हो जाएगा कि उस खानदान में से भी नेता पैदा हुए थे। और सबसे बड़ी शक्ति जो नीलम के साथ कृष्ण फैल मान लग जाता है, वो तो कोई बात विशेष रहती नहीं। तो मैं भरत सिंह के बारे में हर एक इंसान के प्रति, उन्होंने अपने काम से, अपने प्यार से, अपने सहयोग से, अपने विश्वास से हर एक इंसान के दिल पर उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है कि उनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। तो आप सबको बारंबार यही मैं उम्मीद दिखाती हूँ कि इस परिवार के साथ अपना सहयोग, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसा ही बनाए रखिए, क्योंकि हमें एक भरत सिंह नई नजफगढ़ में से हजारों भरत सिंह की छवि पैदा करनी है और भरत सिंह के सपनों को पूरा करना है। ओम शांति।